Hello friends, in this video we will talk about the Elizabethan period minor writers Richard Hakluyt. He was a English professor and I tried to complete Elizabethan period in this video only. Okay, so let's start. Richard Hakluyt, he was a English geographer, okay, first professor of modern geography at Oxford. He was first professor of modern geography at Oxford. He was writing when Francis Bacon, Walter Raleigh were sailing from different parts of the country, and at this time the attention of Britain was fixed on the northeast and northwest passages to the Orient or oriented countries. Orient kaun si hoti hai? Eastern countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, these are the Orient. Okay, so Hakluyt was also served as intelligence officer at Paris in collecting information on the fur trade of Canada and overseas enterprises from French. After his death, Hakluyt Society was published. उन्हीं के नाम पर एक सोसाइटी पब्लिश करी गई थी जिसका नाम था Hakluyt Society. Primarily recorded voyages and travels in it. Okay, तो इसमें जो भी voyages पर जाते थे उनका record सारा जो स्कॉलरली एडिशंस होते थे वो पब्लिश किए जाते थे. ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्क्स ऑफ रिचर्ड हैकल्यूट. फर्स्ट वर्क इज डाइवर्स वॉयजेस टचिंग द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. डाइवर्स वॉयजेस टचिंग द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. नो नीड टू गो इन डिटेल, हम नाम ही याद करेंगे. ठीक है, दिस आर द माइनर राइटर्स. मोस्टली जो राइटिंग वर्क होता है उसकी डिटेल नहीं पूछी जाती. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. डाइवर्स वॉयजेस टचिंग द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नेविगेशंस. जो रिचर्ड हैकल्यूट थे, ठीक है, वो भी वॉयजेस के बारे में ही लिखते थे. तो प्रिंसिपल नेविगेशन, वॉयजेस जो एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन, एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर प्रिंसिपल नेविगेशन, वॉयजेस एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन. ए लास्ट इज ए पर्टिकुलर डिस्कोर्स कंसर्निंग द ग्रेट नेसेसिटी एंड ए पर्टिकुलर डिस्कोर्स कंसर्निंग द ग्रेट नेसेसिटी एंड मैनिपुल कमोडिटीज दैट आर लाइक that are like to grow to the realm of England by the Western England discoveries lately attempted 1584. This is written in 1584. He prepared a report known as Discourse on Western Planting. This is a report. ठीक है, तो ये report उन्होंने लिखी थी किसके ऊपर? Western Planting के ऊपर. ठीक है, तो in this he said that it is very important to set up colonies and these are एंड दिस वॉज प्रेजेंटेड टू क्वीन एलिजाबेथ. इन्होंने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी कॉलोनी सेटअप करें, बनाएं. ठीक है, और ये रिपोर्ट उन्होंने किसको प्रेजेंट करी थी? क्वीन एलिजाबेथ को, हु रिवॉर्डेड हैकल्यूट विद ए पोजिशन ऑफ बर्थोल कैथेड्रल ऑफ चर्च. ठीक है, फिर जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने इन्हें पोजिशन दी थी किसकी? बर्थोल कैथेड्रल. ओके, so this is enough for Richard Hakluyt. Let us start our next writer, Samuel Purchas. He used to publish reports by travelers who went to foreign countries and come back. ये भी यही करते थे, Richard Hakluyt भी यही करते थे, जो reports बनाते थे जो travelers होते थे foreign countries से जो आते थे. ठीक है, तो उनके voyages के बारे में. Samuel Purchas क्या थे? शिष्य थे किसके? रिचर्ड हैकल्यूट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सैमुअल परचास शिष्य थे किसके? रिचर्ड हैकल्यूट के. ओके, तो इनका वर्क एक फेमस वर्क है, परचास हिज पिलग्रिमेज. परचास हिज पिलग्रिमेज और रिलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिलीजियस ऑब्जर्वड इन ऑल एजेस एंड प्लेसेस डिस्कवर्ड फ्रॉम द क्रिएशन अनटू दिस प्रेजेंट पार्ट टू. ओके, तो परचास हिज पिलग्रिमेज. नो नीड टू गो इन दिस लेंथ. ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, परचास हिज पिलग्रिमेज किसकी राइटिंग है? ये है
सैमुअल पर्चास की। इसमें सेलर्स की स्टोरी है जो सेलर्स एंड वॉयजेस पे जाते थे, सो ने सैमुअल पर्चास से शेयर करी थी, ठीक है, जो जाते थे उन्होंने शेयर करी थी आने के बाद। इट टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट ब्रिटेन इज़ एंड हाउ द कॉलोनाइजेशन इज डन। ओके, द नेक्स्ट वर्क इज़ हैक्लुएट पोस्थमियस। पोस्थमियस का मतलब होता है मरणोपरांत, उनके मरने के बाद में ये वर्क पब्लिश किया गया था। दिस वर्क ऑफ हैक्लुएट हैज़ 4 volumes कलेक्शन है, ये इज़ ए मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश बाय सैमुअल विच इज़ कंटिन्यूशन ऑफ हैक्लुएट नेविगेशन। उनके हैक्लुएट पोस्थमियस मतलब उनके मरने के बाद में ये पब्लिश हुई थी और सैमुअल ने पब्लिश करी थी, ठीक है, और ये कंटिन्यूशन है कौन से वर्क का, सैमुअल का, वो सॉरी हैक्लुएट का, नेविगेशन का, ठीक है। तो पर्चास इज पिलग्रिमेज जो ये वर्क है वॉज बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्चास हिज पिलग्रिमेज वॉज बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है रोमांटिक एज के राइटर, उनके लिए इंस्पिरेशन था, उन्होंने इसी स्टोरी के बेस पे लिखी थी कुबला खान। जो इस कुबला खान में स्टोरी स्टार्ट होती है तब सैमुअल टेलर के हाथ में एक बुक होती है, और वो बुक कौन सी है, सैमुअल पर्चास हिज पिलग्रिमेज। टू रिमेंबर दिस, जो बुक उनके कुबला खान की स्टोरी जब स्टार्ट होती है उनके हाथ में एक बुक होती है सैमुअल टेलर के, वो बुक कौन सी है, सैमुअल पर्चास हिज पिलग्रिमेज। डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेडू है इसमें, इज देयर इन पर्चास हैज पिलग्रिमेज। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेडू। ओके, तो हमारे नेक्स्ट राइटर है जॉन फॉक्स। जॉन फॉक्स, he is associated with puritanism. okay, he is associated with puritanism. okay, तो first work है इनका books of maitras, books of maitras published under the title act and monument. ठीक है, ये act and monument नाम के title से publish हुई थी, of the letter and religious days. book of maitras को ही act and monuments कहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका। ओके, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को किस नाम से है, एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ही रिफर्स टू द ऑफिशियल रजिस्टर एंड यूज द मेमोरीज ऑफ हाई विटनेस जॉन बोरो सेड आफ्टर रिफरिंग इट एज। जॉन बोरो ने इस बुक के बारे में क्या कहा है, दिस बुक इज़ द ग्रेटेस्ट सिंगल इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश प्रोटेस्टेंट सिंकर्स ऑफ द लेट Tudor and earlier kings. After Bible, that any book influenced Protestant, that is book of Maitras. Bible के बाद में किसी को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है Protestants को किसी बुक ने, तो इसी बुक ने किया है, ठीक है। ओके, जॉन फॉक्स ने कौन सी राइटिंग लिखी है, बुक ऑफ माइत्रास, इसी को हम एक्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स भी कहते हैं। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका वो एक्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे राइटर्स है विलियम कैमडन। विलियम कैमडन, ही वॉज द पियोनियर ऑफ एंटीक्वेरी मीन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। एंटीक्वेरी क्या होती है, एंटीक पीस के बारे में बात करना, एंटिक्स के बारे में बात करना, तो मीन स्टडी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मेथड जो होता है उसके बारे में बात करना। तो ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मेथड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री and historical method. This society of antiquary was founded around 1585. He was the first to recognize the importance of ancient language and the existence of Romano-British coins. Okay, aur inka first work hai Britannica. Britannica, this was written in Latin. Camden ka first work kaun sa hai, Britannica, this was written in Latin. He studied in Oxford. It is a topographical study of England in Latin. Topographical study hai England ki Latin mein. It is the county by county. A great description of Britain as a island. ठीक है, इसमें पूरे ब्रिटेन का description दिया गया है. By this he produced the coherent picture of Great Britain. ठीक है, तो उन्होंने Great Britain को इसमें
बहुत अच्छे से बताया है। तो नेक्स्ट वर्क, फर्स्ट वर्क है विलियम कैमरन का ब्रिटानिका। नेक्स्ट इज एनियल ऑफ द अफेयर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ एलिजाबेथ। इट इज़ रिटन इन लैटिन। ओके, इन दिस वर्क ही इज सपोर्टिंग किंग जेम्स एंड एलिजाबेथ। ड्यू टू दिस ही क्रिटिसाइज, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, क्रिटिक्स ने उनको। एनुअल एंड विलियम एनियल्स जो ये वर्क है में विलियम कैंडन ने इमेज बनाई थी, वो भी इमेज हम देखते हैं एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स की, ठीक है, जो इन्होंने हमें बताया, हमें जो सोर्स मिलते हैं वो इन्हीं से मिलते हैं। तो जो इन्होंने हमारे अंदर इमेज डाली है क्वीन एलिजाबेथ की, किंग जेम्स की, वही इमेज हम आज देखते हैं। और इन्होंने कहा था कि एक गोल्डन एज थी, उसका भी ये सपोर्ट करते थे। इसमें मैरी क्वीन जो जेम्स की माँ है, क्वीन मैरी, ब्लडी मैरी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक अच्छी इमेज प्रेजेंट की है हमारे सामने इन्होंने। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एनियल्स ऑफ द अफेयर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ एलिजाबेथ। दिस इज रिटन इन लैटिन बाय विलियम कैमडन। ओके, द लास्ट वर्क इज रिमेन्स ऑफ द ग्रेट वर्क कंसर्निंग ब्रिटेन। रिमेन्स ऑफ द ग्रेट वर्क कंसर्निंग ब्रिटेन, दिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ऐसे है। दिस इज़ द ओनली वर्क दैट कैमडन रोट इन इंग्लिश। अब तक जैसे मैंने बताया ब्रिटानिका भी उनका रिटन लैटिन में लिखा गया है, जो एनियल ऑफ द अफेयर है वो भी लैटिन में लिखा गया है, लेकिन दिस वर्क इज़ रिटन इन इंग्लिश। ओके, तो दिस वर्क वॉज क्रिटिसाइज ए लॉट एंड सेज दैट दिस वर्क इज़ ए रूट रबल एंड रबिश। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस वर्क को, और इस वर्क को रूट रबल एंड रबिश कहा गया। तो नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स ही वॉज ए स्कॉटिश मिनिस्टर थे, थियोलॉगन थे एंड राइटर थे। स्कॉटलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन था। स्कॉटलैंड एंड किसका पार्ट था? ब्रिटेन का पार्ट था। स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड कम्बाइनली तीनों को मिलाते हैं, जब भी हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन इज कॉल्ड एज ब्रिटेन। इंग्लैंड चाहता था कि स्कॉटलैंड प्रोटेस्टेंटिज्म में कन्वर्ट हो, जबकि फ्रांस चाहता था कि इंग्लैंड कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो। ओके, ही वॉज द मिनिस्टर इन चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड थस ही वॉन्ट टू चेंज द कैथोलिक चर्च इन टू प्रोटेस्टेंट। वो चर्च में मिनिस्टर थे, तो ये चाहते थे कि कैथोलिक चर्च वो प्रोटेस्टेंटिज्म में चेंज हो जाए। दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ प्यूरिटनिज्म चर्च ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज एक्साइल टू इंग्लैंड, उन्हें निकाल दिया गया था। एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला देना, एक्साइल टू इंग्लैंड। ड्यूरिंग हिज एक्साइल जॉन नॉक्स हैज लाइसेंस टू वर्क इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ही रोज टू ए गुड रैंक अंडर द किंगशिप ऑफ एडवर्ड सिक्स। ठीक है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो टेक्स्ट है, जो बाइबल के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, उसकी मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया था किसने? जॉन नॉक्स ने। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जॉन नॉक्स ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में बहुत मतलब हेल्प की थी उसको बनाने में। तो इनकी राइटिंग है हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड। हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड, ये 5 वॉल्यूम वर्क है। ओके, नॉक्स न ही प्रोटेस्टेंटिज्म की बात करते थे, न ही कैथोलिज्म की बात करते थे। वो जो पास्ट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में अपने गोल्डी व्यूज देते हैं, इसे हम इन्हें रोक सकते हैं। ठीक है, जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। तो ये थी इनकी हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड। ठीक है, 5 वॉल्यूम वर्क है जॉन नॉक्स का, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और हमारा आज एलिजाबेथन पीरियड ख़त्म हो गया है, कल से हम जैकोबियन एंड कैरोलिन एज स्टार्ट करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपका नेट का सिलेबस मोटिवेशन के साथ पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। ओके, प्लीज़, थैंक यू।